बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। काकूस टीवी में मोहम्मद मंशा आपकी खिदमत। आज जो उनवान आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो है कीना शुतर। कीना शुतर जो है प्रोवर्बियल इम्पोर्टेंस रखता है कि ऊँट कहते हैं कि ऊँट जो है अगर किसी से नाराज़ हो जाए, किसी पर वो गुस्से में आ जाए किसी भी सबब से, तो वो दिल में वो लाइफ लॉन्ग रखता है उसके ख़िलाफ़ नफ़रत, और सालों बाद भी वो शख्स अगर नज़र आ जाए तो उस पर वो हमलावर होता है और पूरी कोशिश करता है कि उसे जान से मार दे। तो कीना शुतर किसी भी इंसान में मौजूद सबसे मनफी जज्बा है। तो अमूमन ताकतवर लोग जो हैं वो कीना परवर होते हैं, जो कमज़ोर या गरीब हैं या मातूब हैं उनमें कीना हो भी तो इनफेक्टिव होता है। तो इसी सिलसिले में आपके सामने चंद अशार आज के लिए कीना शूतर के उन्वान से। अहले ताकत शुतर का कीना रखते हैं, अहले ताकत शुतर का कीना रखते हैं, हमेशा नखवत का जीना रखते हैं, यानी खुद पसंद होते हैं बहुत ज़्यादा। अहले ताकत शुतर का कीना रखते हैं, हमेशा नखवत का जीना रखते हैं, मखलूक जहाँ बलब हो उनकी बला से, मखलूक जहाँ बलब हो उनकी बला से, कम ज़र्फ़ हैं ज़ेन कमीना रखते हैं। अहले ताकत शुतर का कीना रखते हैं, हमेशा नखवत का जीना रखते हैं, मखलूक जहाँ बलब हो उनकी बला से, कम ज़र्फ़ हैं ज़ेन कमीना रखते हैं। वो जिन्हें सहूलत तसरफ़ हासिल है, वो जिन्हें सहूलत तसरफ़ हासिल है, बढ़ चढ़ के अपना रुजी न रखते हैं। वो जिन्हें सहूलत तसरफ़ हासिल है, यानी जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो खर्च कर सकते हैं ट्रेजरी में से या किसी भी तंजीम के माली मामलात में, जिन्हें खर्च करने की फैसिलिटी हासिल होती है, तो वो ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखते हैं। वो जिन्हें सहूलत तसरफ़ हासिल है, बढ़ चढ़ के अपना रुजी न रखते। वो जिन्हें सहूलत तसरफ़ हासिल है, बढ़ चढ़ के अपना रुजीना रखते हैं। मुँह ज़ोरों की सज धज देखें, अवाम बमुश्किल नाने शबीना रखते हैं। मुँह ज़ोरों की सज धज देखें, अवाम बमुश्किल नाने शबीना रखते हैं। अहले ताकत शुतर का कीना रखते हैं, हमेशा नखवत का जीना रखते हैं, मखलूक जहाँ बलब हो उनकी बला से, कम ज़र्फ़ हैं ज़ेन कमीना रखते हैं। वो जिन्हें सहूलत तसरफ़ हासिल है, बढ़ चढ़ के अपना रुजीना रखते हैं। मुँह ज़ोरों की सज धज देखें, अवाम बमुश्किल नाने शबीना रखते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।